व्हाट्स अप फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैक के एक्सरसाइज। गाइस, जो आपको बैक की इंजरीज होती है वो किस तरीके से होती है मैं वो बताऊंगा, और उसके एक्सरसाइज कौन से आज हम उसके बारे में देखने वाले गाइस। अब आगे पूरा वीडियो देखो, आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। बैक में पेन कैसे स्टार्ट होता है गाइस? गलत मूवमेंट करने से या गलत वर्कआउट करने से हमारे बैक में पेन होता है। इसलिए गाइस, जब भी हम जो भी वर्कआउट करें ना, सही फॉर्म और टेक्निक में करेंगे तो हमें कभी बैक की इंजरीज नहीं होगी। जब हम गलत मूवमेंट में वर्कआउट करते हैं ना गाइस, तो स्लिप डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए गाइस, जब भी आप कोई भी मूवमेंट करो, सेफली करो और प्रॉपर वे में करो। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ गाइस स्लिप डिस के वर्कआउट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्कआउट है गाइस सूर्य नमस्कार। गाइस ये बहुत बेनिफिट वर्कआउट है आपकी लोअर बैक के लिए। गाइस आपके लोअर बैक पे ज़्यादा पेन है तो कभी भी ये वर्कआउट स्टार्ट करो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है लोअर बैक के लिए। ये आपकी लोअर बैक की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपके लोअर बैक पे। गाइस आपको इसको किस तरीके से करना है, आपके दोनों पैर को क्लोज रखना है, आपके हाथ शोल्डर के बराबर होना चाहिए, ऊपर जाते वक्त ब्रीथ आउट करना है, नीचे आते वक्त ब्रीदिंग करना है, इसी तरीके से करते रहना है। सेकेंड वर्कआउट है गाइस सुपरमैन। गाइस ये भी बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है आपके लिए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, अपने दोनों पैर को थोड़ा दूर दूर कर दिया हूँ और दोनों हाथों को भी। फिर इसी तरीके से मैं ब्रीथ आउट करते हुए अपने आप को ऊपर ला रहा हूँ, फिर ब्रीथ इन करते वक्त नीचे लेके जाता हूँ। जब मैं ऊपर रहता हूँ गाइस, मैं 5 to 10 seconds होल्ड करता हूँ। इसी तरीके से आपको 5 से 10 seconds ऊपर होल्ड करना है। ये भी आपकी लोअर बैक के लिए बहुत इफेक्टिव है और आपकी लोअर बैक की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है ये गाइस। थर्ड वर्कआउट है गाइस हिप ब्रिज। गाइस ये भी बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है आपकी लोअर बैक के लिए। गाइस आपके ये ग्लूट्स को स्ट्रांग करता है, ग्लूट्स मसल स्ट्रांग होगा तो आपके लोअर मसल्स को भी स्ट्रांग रखेगा। इसलिए ये भी गाइस बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, क्योंकि ये मोस्टली आपका लोअर पार्ट वीक होने की वजह से आपके बैक पे पेन होता है, इसलिए आप ये वर्कआउट करो, ये भी बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। गाइस फोर्थ वर्कआउट है कैट एंड कैमल। ये भी गाइस बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। ये वर्कआउट आपको जिस दिन इंजरी हुई है उसी दिन से स्टार्ट करनी है गाइस। अब उसी दिन से आप ये वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आपका पेन जल्दी से जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा गाइस। मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी हुआ था, तो मैंने यही चीज़ फर्स्ट डे से स्टार्ट की तो मुझे बहुत जल्दी रिलीफ मिल गया था। गाइस ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, इसके बेनिफिट है ये आपकी लोअर बैक के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसी तरीके से आपकी अपर बॉडी की भी स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, जब ऊपर जा रहा हूँ ब्रीद आउट कर रहा हूँ, नीचे आओ तो ब्रीद इन कर रहा हूँ। और जब भी आप ऊपर जाओगे तो आपकी नज़र एक ही जगह पे होनी चाहिए, आपको 5 से 10 सेकंड ऊपर होल्ड करना है।